अच्छा जी हो जाएगा ना वैसे तो मुझे इसको भरोसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप्स हो गई हो आ रहा फाइन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो स्टेट ऑफ मैटर देख रहे थे। स्टेट ऑफ मैटर में हमने मैटर की सेकंड स्टेट जो है लिक्विड को स्टार्ट किया था। उस लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम लिक्विड की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं वो एक सॉलिड स्टेट में आ जाती है। उस सॉलिड स्टेट में आने को वो टेम्परेचर जहाँ पे वो आके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लिक्विड से, जिस तरह से आप पानी रखते हो फ्रिज में, वो वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो किस में चेंज हो जाती है? सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड आपका चेंज हो जाए किससे भी सॉलिड में, वो टेम्परेचर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है बेटा। और दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि हमारे पास जब किसी भी चीज को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हो तो उसके वेपर्स बन रहे होते हैं, जबकि जब कोई चीज फ्रीज हो रही होती है उसके वेपर्स बहुत कम बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बेटा एक इस तरह से करते हैं कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड, यानी वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। यानी सॉलिड बहुत कम वेपर्स बनाता है तो बहुत कम प्रेशर लगाता है, तो हमने लिक्विड को भी उसमें इस तरह से जो है वो चेंज कर लेना है कि लिक्विड में बहुत कम वेपर्स बनाए। जब लिक्विड में बहुत कम वेपर्स बनाना शुरू कर देगा, यानी बिल्कुल उस तरह से वेपर्स बनाएगा जिस तरह से सॉलिड बहुत कम वेपर्स बनाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा हम सेकंड डेफिनेशन इसकी ये कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपके पास सॉलिड स्टेट भी पाई जाती है और लिक्विड स्टेट भी पाई जाती है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रही होती है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रही होती है। एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे आपके पास रिएक्शन स्टॉप हो चुका है या कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली जितनी कंसंट्रेशन लिक्विड की सॉलिड में चेंज हो रही होती है उतना ही सॉलिड आपके पास लिक्विड में भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है बेटा। तो इसलिए हम उस टेम्परेचर को जहाँ पे दोनों एक दूसरे के जो है वो कोएग्जिस्ट पाए जाते हैं, यानी लिक्विड आपके पास सॉलिड और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है बेटा, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? इस टेम्परेचर को भी हम बोलते हैं कि आपके पास जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। और इस टेम्परेचर को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है बेटा चेंज, यानी आपके पास लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को आपने क्या बोलना है? उस टेम्परेचर को आपने बोलना है वो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है। वाटर आपने देखा है कि वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाती है आपके पास। इसी तरह से बेटा ये नेक्स्ट डाइइथाइल ईथर है। डाइइथाइल ईथर -116 डिग्री सेल्सियस पे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वो बर्फ में या अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का छोटा सा टॉपिक। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, गिव एग्जांपल्स। आपने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख के साथ में एग्जांपल्स दे दिए। अब हम आ रहे हैं लिक्विड की सेकंड नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ, जो आपके पास क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूज क्या होना क्या होता है? डिफ्यूजन बेटा सपोज आपने पानी जो है वो देखा होगा कि हम जब टैप ओपन करते हैं ऊपर हमारे वाटर टैंक में पानी होता है, जब आप लोग पानी टैप ओपन करते हो तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। पानी की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ज्यादा वाले एरिया से कम वाले एरिया की तरफ मूव करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी हम ये बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर ऑलवेज मूव, वो हमेशा हरकत करते रहते हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं। अब वो कैसे हरकत करते हैं? वो अपनी हायर कंसंट्रेशन जहां पे उनकी तादाद ज्यादा होती है, जहां पे उनकी मिकदार ज्यादा होती है, वहां से वो हमेशा लोअर एरिया की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पानी, अब देखें आपने जब ऊपर से टैप ओपन करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना आप वहां पे कोई मोटर लगाई होती, सिंपली आप टैप ओपन करते हैं आपको नीचे की तरफ पानी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर टैंक में उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, टैप में उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। ये पानी की प्रॉपर्टी है। तो वो कहते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब उसकी एग्जांपल आपके सामने मेंशन की गई है, मैंने लिखा है मेक्सिको इंक इन वाटर। पानी जो है वो बहुत ज्यादा है, इंक आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। आप जैसे इंक का एक ड्रॉप फेंकते हैं उसके अंदर कुछ देर बाद आप देखते हैं कि इंक पूरे पानी के अंदर मिक्स हो चुकी होती है। आपने जहाँ पे इंक फेंकी थी उस जगह पे पहले इंक की मिकदार बहुत ज्यादा थी, बाकी सारी जगह पे इंक की मिकदार क्या थी? कम थी। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो इंक सारे के सारे पानी में जाकर शामिल हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस आपके पास डिफ्यूजन है, क्योंकि इंक जब आपने यहाँ पे फेंकी इसकी मिकदार बहुत ज्यादा थी, तो ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू होगी और ये पूरे पानी के अंदर मिक्स होगी, तो ये क्या कहलाता है? ये फिनोमिना डिफ्यूजन कहलाता है। अब हम देखते हैं बेटा कौन कौन से फैक्टर है डिफ्यूजन जिन पे असर अंदाज होती है या जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो है डिफ्यूजन पे
पड़ता है तो वो फॉलोइंग फैक्टर है। सबसे पहले हमारे पास इंटर मॉलिकुलर फोर्स, यानी वाटर के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के आपस की फोर्सेस। अगर तो वो फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ही जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहने की वजह से वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, जिसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत स्लो स्लो होगी। लेकिन अगर बेटा आपके पास मॉलिक्यूल स्मॉल है तो सॉरी आपके पास अगर डिफ्यूजन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसमें फोर्सेस वीक है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है। अब सपोज अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स में बात करूँ, ये आपके मॉलिक्यूल इस तरह से है, सपोज अगर इन्होंने मूव करना है, पहले ये एक मॉलिक्यूल हल्का सा मूव करेगा, उसके पीछे दूसरा मूव करेगा, तीसरा मूव करेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल आपके पास इस तरह से उनके दरम्यान में फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, यानी दूर दूर है, तो पहले एक मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो जल्दी हो जाएगी और डिफ्यूजन आपके पास क्या होगी, जल्दी होगी। यानी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, मूवमेंट आपके पास कम होने की वजह से डिफ्यूजन स्लो हो रही है। और अगर फोर्सेस वीक है तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी मूव कर देंगे, डिफ्यूजन आपके पास जल्दी होगी। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखें कोई भी बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, अब उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। सिंपल एग्जांपल ले लें, एक मोटा पर्सन भाग रहा है, एक जो है वो जो पतला पर्सन भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसका मास कम है वो जल्दी स्पीडली भाग जाएगा। सेम इसी तरह से जिस मॉलिक्यूल का वेट आपके पास बड़ा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, और जिसका वेट जो है वो आपके पास स्मॉल होगा वो क्या करेगा, बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल आते हैं उनकी डिफ्यूजन स्लो होती है, और अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है तो वो आपके पास कैसे डिफ्यूज होता है, वो आपके पास बहुत फास्टली जो है वो डिफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है वो रेगुलर होती है, रेगुलर शेप मींस कि उसके साइड्स कॉर्नर जो है वो एक प्रॉपर शेप में एक प्रॉपर यूनिट के साथ वहां पे मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, एक सीक्वेंस के साथ मूव करेगा। और जिस चीज में रेगुलरिटी होती है वो जब मूव कर रही होती है तो मूव करने में क्या हो रहा होता है, आसानी हो रही होती है। जितनी आसानी से मूव कर सकेगा उतना वो स्पीडली मूव करेगा। अब जब किसी चीज में रेगुलरिटी नहीं पाई जाती, सपोज आपके सामने अगर मैं शेप ड्रा करूं, सपोज आपके पास कुछ वाटर के मॉलिक्यूल या कुछ हम वैसे ही मॉलिक्यूल ड्रा कर लेते हैं, वो एक प्रॉपर शेप में मौजूद है, अब अगर इनकी मूवमेंट की बात करें तो वो सिंपली या तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे या इनमें से कुछ ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद है इररेगुलर शेप में, अब इररेगुलर शेप होने की वजह से सपोज पहले एक मॉलिक्यूल मूव कर गया फिर दूसरे वाला यहां से आता, तो उनको मूवमेंट में हर्डल्स आ रही होती है, जिसकी वजह से वहां के आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। लास्ट वन हमारे पास फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना आप बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स उतना स्पीडली मूव करेंगे, जितना स्पीडली मूवमेंट होगी आपके पास मॉलिक्यूल्स की उतना डिफ्यूजन का प्रोसेस भी जल्दी जल्दी हो रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्पीडली हो जाएगी, तेजी से मूव करेंगे, जितना वो तेजी से मूवमेंट करेंगे उतनी जल्दी उनकी मिक्सिंग होगी, उतनी जल्दी वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन से चार फैक्टर है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन, वो कौन से फैक्टर है जिन पे जो है डिफ्यूजन डिपेंड करती है, तो ये चार फैक्टर आपने लिखने। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी आती है लिक्विड की डेंसिटी। डेंसिटी किसी भी चीज के जो है मास को बोला जाता है। सपोज आपके पास एक वॉल्यूम है, सपोज वो वैल्यू वॉल्यूम जो है वो आपके सामने इतना फिक्स कर लिया गया है, अब इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास आपके पास आएगा वो क्या कहलाएगी, उसकी डेंसिटी कहलाएगी। आपके सामने दो जो है वो क्यूब ड्रा किए गए हैं, एक में गैस के मॉलिक्यूल लिए गए हैं और एक में लिक्विड के मॉलिक्यूल लिए गए। अब गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें कि चंद एक मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है, जबकि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखा जाए सेम वॉल्यूम है लेकिन उस वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आ रहे हैं। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वॉल्यूम जो हमारे पास मास बनेगा मास उतना ज्यादा होगा। अब सपोज अगर इनका मास आप 1 ग्राम जो है वो एक मॉलिक्यूल का कंसीडर करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ग्राम आपके पास टोटल इसका मास बन रहा है, जबकि अगर लिक्विड के मास को देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्राम आपके पास मास बन रहा है। वॉल्यूम सेम है लेकिन एटम ज्यादा होने की वजह से वहां पे मास आपके पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन ये है कि जो आपके पास लिक्विड होते हैं लिक्विड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। सेकेंड नंबर पे लिक्विड के दरमियान में आपको एम्प्टी स्पेसेस भी बहुत कम नजर आएंगी, यानी एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा थोड़ी सी स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन की गई कि अगर हवा की डेंसिटी को देखा जाए तो वो 0.001 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है, यानी एक डेसीमीटर क्यूब हवा का जो वजन आपके पास बनता है वो कितना बनता है, 0.001 ग्राम बनता है। और अगर वाटर की जो है डेंसिटी को देखा जाए तो वाटर के
डेसीमीटर क्यूब में जो वजन बनता है वो 1 ग्राम होता है। आप इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि वाई रेन फॉल डाउनवर्ड, बारिश हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है। उसकी रीजन ये है कि हवा जो है, हवा के अंदर ही बादल होते हैं ना, तो बादल में पानी होता है, वेपर्स होते हैं, वो वेपर्स जब कंडेंस होते हैं तो उनका वजन ज्यादा हो जाता है, वहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से बारिश हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। तो ये रीजन लिखी हुई है, दिस इज द रीजन दैट रेन फॉल्स डाउनवर्ड, क्योंकि पानी की डेंसिटी आपके पास ज्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टीज थी, और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की डेंसिटी, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। See you again, Allah Hafiz.